जी बहुत एक्साइटेड हूँ, आई थिंक हम साथ में काम करेंगे इस फिल्म में। और मेरी और अमरीश जी की जोड़ी बहुत पुरानी है और बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। हम लोगों ने बिगनी में बहुत सारी फिल्म्स एक साथ की हैं और एक ट्यूनिंग है अलग से और केमिस्ट्री भी है, और आई थिंक इस फिल्म में भी देखने को मिलेगी ऑडियंस को। पहली फिल्म में और इस फिल्म में मतलब केमिस्ट्री में कितना बदलाव आया, बात करें बदलाव तो मेरा ही बदलाव है। पहले वाली अनारा और अब की अनारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वो एक चीज़ अलग है कि आज अनारा पहले जैसी नहीं दिखती, आज अनारा बहुत डिफरेंट दिखती है। और अमरीश जी तब नए नए आए थे तो बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे थे, आज वो मंझे हुए कलाकार हो गए हैं, तो हमारा ये दोनों का चेंज होगा। और ऑफकोर्स देखिए, हम काम नहीं कर रहे थे बीच में, फिर हम लोग दोस्त हैं और एक दूसरे के घर के फंक्शंस और एक फैमिली हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो वो तो हमेशा से ही है। इसलिए हम लोग वो की केमिस्ट्री में कभी भी कोई ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई डिफरेंस आया होगा। बट या और अच्छी होगी और नहीं होगी, और जब ऑडियंस हमें एक साथ पर्दे पे देखेगी तो ज़्यादा एंटरटेन होगी, क्योंकि अब हम दोनों की एक जोड़ी एक एक फ्रेश उसमें आएगी। किस तरह की फिल्म भाई बात करें? फिल्म बिल्कुल काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी फिल्में अभी लॉकडाउन और लॉकडाउन के पहले भी और बीच में भी हमने की बहुत सारी पारिवारिक और फैमिलियर फिल्में, और सब लोग बस यही कहते हैं बस फैमिलियर करो सेटेलाइट के लिए। ऐसा नहीं होता, समाज में और भी चीज़ें हैं, फैमिली के अलावा भी बहुत सारी जो कि अत्याचार हो रहे हैं, बहुत सारी दुरुपयोग हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का जो मुद्दा उठ रहा है आजकल, अभी लेटेस्ट मुद्दे हैं बहुत सारे, अभी हमारे नशाखोर, बहुत सारी चीज़ें जो है आपत्तिजनक चीज़ें भी हो रही हैं, तो वो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी टीम और हमारे प्रोड्यूसर, हमारे राइटर धीरू जी जो कि बहुत ही मजे हुए हैं, काफ़ी फिल्में उन्होंने हिट दी है, तो एक अच्छा सब्जेक्ट लेके आए हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा शूट भी होगा और आप लोगों के बीच में जब आएगा तो बहुत मजा आएगा, दर्शक देख के बहुत एंजॉय करेंगे। कब से जाएगी शूट? बिल्कुल आप कंपेयर किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी और हमारे लिए एक नया लुक है और हम इसमें एक नया करने की कोशिश है, और बिल्कुल अभी क्योंकि आज पहला मुहूर्त है तो टीम और हमारे प्रोड्यूसर जो हैं जय सिंह जी, उन्होंने एक फिल्म बनाई जय माँ बिंदुवासिनी, और बहुत प्यारी फिल्म है वो भी, बहुत अच्छी फिल्म है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें नवंबर में फिल्म भी करना है, तो थोड़ा सा हम और हमारी टीम बहुत जल्दी में सारी चीज़ें चयन कर रही हैं, तो अच्छी फिल्म होगी। बिल्कुल गैंगस्टर की बीवी खूबसूरत होनी चाहिए। अगर आपने देखा होगा पीछे मुड़ के, या आप 007 की बात कर रहे थे, अगर आप जेम्स बॉन्ड की बात करते तो उसके जितने भी गर्लफ्रेंड्स हैं वो बहुत ऐसे हॉट ही होती है, तो आई एम श्योर ये फिल्म में भी जो जेम्स बॉन्ड का आप लोग बोल रहे हो, तो ऑफकोर्स अगर बीवी हॉट होगी तो और अच्छा लगता है। इतनी वेट कम किया आपने? मैंने एक्चुअली अपने लिए कम किया है, फिल्म तो ऑफकोर्स बीच में आ ही रही है, मैं चाहती थी कि मैं अब डिफरेंट लुक में लोगों को दिखूँ, और अब क्योंकि एकदम अलग दिखती हूँ तो ऑफकोर्स मेरे करियर में भी वो चीज़ें प्लस होंगी, क्योंकि लुक डिफरेंट हो गया है और पतली हो गई हूँ। और इंडस्ट्री में आप जितना अच्छा दिखो, जितना पतला दिखो, आप उतना अच्छा दिखते हो स्क्रीन पे, तो आई थिंक मेरी करियर में प्लस होगा। मैं एक्चुअली कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जब लोग देखें तब पता करें। चीजें प्लान कर रहे हैं आप? यस, वेरी सून। थोड़ा तो बता रहे हैं? नहीं अभी कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ पब्लिक को जब मैं पोस्टर डालू अपने सोशल मीडिया पे तो चीजें देखे लोगों को। अमरीश जी, फिल्म के गाने की बात की जाए, फिल्म में कितने गाने होंगे, कब तक शूटिंग होगी और कहाँ जाएगी? इस बार हम फिल्म में कम गाने रखे हैं, यानी कम बोल सकते हैं, 7 गाने ही हैं जो कि डिसाइड हुआ है, और आज एक गाना रिकॉर्ड भी हो रहा है जो कि टाइटल सॉन्ग है भाग्य विधाता, और इस 7 गानों को जो म्यूजिक कर रहे हैं छोटे बाबा जो कि काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि सारे गाने हिट होंगे और अच्छे गाने होंगे। भाग्य विधाता, क्या अलग अलग नाम है? भाग्य अलग है, विधाता अलग है, दोनों एक ही है? देखिए, भाग्य और विधाता, जिसके साथ भाग्य होता है उसी के साथ विधाता होता है, और जिसके साथ विधाता होता है उसी के साथ भाग्य भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है दोनों एक ही हैं, और भाग्य विधाता अपने आप में सबके साथ होना चाहिए, तभी उसका स्टार और उसकी चीज़ें आगे और रनिंग करती है और दौड़ती है। ऐसा लग रहा है पोस्टर से कि अमरीश जी फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी फिल्में और इतनी साफ फिल्में कर रहे हैं।
जी नहीं, मैंने फिल्में बहुत की है। मैं जब शुरुआत में आया तो मैं और अनारा जी एक फिल्म किए थे, हमसे बढ़कर कौन, वो बहुत बड़ी थी। और मैंने बहुत सारी हमेशा बड़ी ही फिल्में की है, छोटी भी बड़ी हो जाती है जब मैं करता हूँ तो बड़ी और छोटी कोई फिल्म होती नहीं है। हमारा जो कंटेंट और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बड़ा होता है, और हम कितना मेहनत कर जाते हैं वो बड़कपन है, और वही बड़ाई है, लोग पसंद करते हैं। कितना कंफर्टेबल है अमनीश जी के साथ काम करते हैं? अरे घर वाली बात है हमारी, तो आई थिंक मैंने और अमनीश जी ने साथ में इतनी सारी फिल्मिंग की है बिगनिंग में, और जब अमनीश जी नए आए थे बिल्कुल, और आज मैं जब अमनीश जी को देखती हूं, मैं रोकूंगा, मैं बताऊंगा कि जब मैं 2013 में हम लोग एक प्रोग्राम करने जगदीशपुर आरा गए थे बिहार में, और पहली बार अनारा जी थी उसमें और बिना आनंद जी थे और मैं, और उसके बाद मैं मुंबई आया तो इन्होंने कहा कि आप फिल्में करो, तो हमने कहा कि कैसे करूं, तो मैं बिल्कुल आज वो दिन याद आता है, भाग्य और विधाता मेरे साथ हैं, और वो समय और आज का दिन है। मैंने काफ़ी फिल्में की, काफ़ी दौर अच्छे बुरे देखे सिनेमा से, और हमेशा कोशिश करता हूँ अच्छा करूँ, तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ, और यहाँ नहीं हर जगह बोलता हूँ कि अनारा जी हमारी शुरुआती इस इंडस्ट्री में लाने वाली यही हैं। और बिल्कुल इन्होंने शुरू में जब पहली फिल्म वो टाइटल चेंज हो गया, युद्ध संख हो गया, उसका टाइटल ज्वाला था, पहली बार मैं कैमरा और पहली बार वो एक्टिंग, दो तीन महीने में वो डांस का रिहर्सल और एक्टिंग और सारी चीज़ें, और एसएल स्टूडियो हम जाया करते थे रोज़ शूटिंग करने, नाइट नाइट करके सुबह भोर में आया करते थे, तो वो सब पल और दिन याद है, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा उसी तरह रहूँ। मुझे बहुत बड़ा नहीं बनना है, लेकिन ज़रूर इतना बनना है कि लोगों को दिल में और लोगों को दिमाग में हमेशा बसे रहूँ, और मैं एक अच्छा काम करते रहूँ। तो मैं धन्यवाद बोलता हूँ अनारा जी को कि सदैव इसी तरह चमक रहे, और जैसे अपने अलग अलग रूप में आ रही हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि सिनेमा में भी अलग अलग रूप में दिखें, और मैं बिल्कुल इनके साथ हूं और ये हमारे साथ हैं। अमरीश जी भोजपुरी के सुपरस्टार हैं आप, अभी अभी आप नशा, आपत्तिजनक चीजें, ये सब बातें बोल रहे थे, तो जो कुछ चल रहा है बॉलीवुड में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? मैं बिल्कुल कहूँगा किसी का बेटा हो या कोई भी हो, अगर गलत कर रहा है तो गलत है, खास मेरा ही बेटा हो या मेरा ही भाई हो या मैं ही हूँ, कोई भी किसी भी लॉ और कानून के खिलाफ कोई आपत्तिजनक कोई भी घटनाएं कर रहा है, क्योंकि हमारे देश में कानून है और हम उस कानून के तहत बहुत सेफ्टी और खुले दिल से जीते हैं, और जीते हैं तो खूब अपने मन से अच्छी अच्छी सिनेमा करते हैं, अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, तो बिल्कुल उसमें बाधा अगर कोई भी बन रहा हो तो उसको दंड मिलना चाहिए, और उससे दंड से आगे सीख भी मिलेगी लोगों को। थैंक यू सो मच।